क्या आपने कभी एक एक्स्ट्रा रोटी या फिर एक एक्स्ट्रा पिज्जा का स्लाइस खा के ये सोचा है कि यार मैंने ज्यादा खाना खा लिया, मेरे को ये नहीं खाना चाहिए था? अगर हाँ तो आपने सबकॉन्शियस ईटिंग की है और ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ एंड आई स्पीक अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बिफोर आई न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस ईटिंग, आई वॉज अ फैट किड। मैं बहुत जल्दी वेट गेन करने लगता था, मेरे को पता भी नहीं चलता था और मैं वेट गेन करने लगता था। मैं खाने को ऐसे ट्रीट कर रहा था कि उससे मेरे को एक हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन ये केस नहीं होता है। खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिलती है। हैप्पीनेस तब मिलती है जब आपको समझ होती है खाने से क्या क्या अच्छा आपको मिल सकता है। वन मोर थिंग विच हैपेंड इन माई लाइफ, मैं इमोशनली खाने लग गया, उसके साथ साथ मेरा वेट और जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया। बट आफ्टर मेरे को रियलाइज हुआ कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस ईटिंग करके भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तब मेरे को पता चला कि ऐसे नहीं, ऐसे खाना चाहिए। और उसके बाद मेरा वेट अपने आप धीरे 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 करके रिड्यूस हो गया। मेरी बॉडी कम खाने से भी सेटिस्फाई होना शुरू कर दी। आई स्टार्टेड टेकिंग फूड नॉट ओनली टू क्योर माई हैप्पीनेस बट जस्ट टू हैव फूड। मैं खाने को खाने की तरह ही ले रहा था, अब मैं उसको हैप्पीनेस से नहीं ले रहा था कि मेरे को उससे खाने से हैप्पीनेस मिलेगी, मैं खाने को खाने की तरह ही ट्रीट कर रहा था। एंड व्हेन आई डिड दैट, और जब मेरा वेट भी कम हुआ और मैं बहुत सारी चीज़ें खा पा रहा था, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग फूड। नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट इज सबकॉन्शियस ईटिंग एंड कॉन्शियस ईटिंग, और आप भी ये कैसे कर सकते हो कि आप कॉन्शियसली खाना खाओ। अकॉर्डिंग टू मी, कॉन्शियस ईटिंग इज समथिंग व्हेन आई एम फुली अवेयर ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग। मतलब कि जब मैं जानता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे माइंड को पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। ध्यान दे के खाने को कॉन्शियस ईटिंग कहते हैं। अगर मेरे सामने एक थाली है तो थाली में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे पता है कि थाली में दाल है, थाली में चावल है, थाली में सब्जी है, और मैं जब भी एक बाइट तोड़ता हूँ रोटी की और उसको लेके खाता हूँ, तब मुझे पता है कि हाँ, मेरी बॉडी में वो रोटी और सब्जी जा रही है। मेरे माइंड को फुली अवेयर है और मेरे को बॉडी हेल्प करती है उसको डाइजेस्ट करने में भी। सो बेसिकली फूड पर पूरा ध्यान देके खाने को कॉन्शियस ईटिंग कहते हैं। तो जब आप खाना खाओ तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो, तो आप भी कॉन्शियस ईटिंग करना शुरू करने लगोगे। एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस ईटिंग? जब इंसान कोई खाने पे ध्यान देके खाने को नहीं खाता है, उसको सबकॉन्शियस ईटिंग कहते हैं। हमने भी काफी बार किया हुआ ये चीज, आपने और मैंने, कि हम लोग फोन पे लगे हुए हैं या टीवी देख के खाना खा रहे हैं। ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्शियसली ध्यान देके नहीं खा रहे हो। आपका कॉन्शियस या आपका फोकस कहीं और है, आप टीवी देख रहे हो या फिर अपना फोन देख रहे हो। ऐसे बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो कहीं गायब हो जाता है खाना खाते समय, और ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ जो बहुत टीवी देखते देखते खा रहे हैं या फोन देखते देखते खा रहे हैं। आई नो वो फोन कॉल इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई नो वो टीवी का एपिसोड इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब आप खाना खा रहे हो, खाने से बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। तो खाने पे पूरा ध्यान देके खाएं। हम लोग जो भी कर रहे हैं खाने के लिए ही कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं जो भी कर रहा हूँ खाने के लिए ही कर रहा हूँ। फूड इज माई पर्पज ऑफ लिविंग, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कि आपका भी जब खाने का टाइम होता है तो खाने पे पूरा ध्यान देके खाइए। वेल, लेकिन सबकॉन्शियस ईटिंग वो होती है जब आप खाने पे ध्यान देके नहीं खाते हो। तो आज से ये अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप जब भी खाना खाओगे ध्यान देके खाओगे। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए कनेक्टेड रहें मेरे साथ। थैंक यू।